दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही सेना ने एआरओ अहमदाबाद भर्ती को स्थगित किया था, जिसके बाद लगता है अब सेना अन्य राज्यों के लिए भी भर्ती रैलियों को स्थगित करने की शुरुआत करने जा रही है। और इसी के चलते एक और सेना भर्ती कार्यालय से अभी अभी बड़ी खबर आ रही है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल की घंटी को दबाना न भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही सेना भर्ती से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सके। और इसके साथ ही आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जिले और राज्य का नाम जरूर लिख कर जाएं, ताकि हम आपके जिले की भर्ती की जानकारी सबसे पहले ला सकें। दरअसल दोस्तों, मीडिया खबरों की माने तो अगस्त माह के अंतिम सप्ताह तक कोरोना की तीसरी लहर आने और बारिश की वजह से रैली में रुकावट बनने को वजह मानते हुए सेना भर्ती कार्यालय रोहतक ने अपनी 20 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित होने वाली भर्ती रैली को स्थगित करने की पूरी तैयारी कर ली है। और इसको लेकर भर्ती कार्यालय के पास मुख्यालय से रैली को स्थगित करने के आदेश भी आ गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 4 माह में यह दूसरी बार भर्ती स्थगित होने से 2 साल से ग्राउंड पर पसीना बहा रहे 4 जिलों रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत के लगभग 19,000 युवाओं की तैयारियां का निश्चय ही एक बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, सेना भर्ती कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि इस भर्ती के लिए फिलहाल किसी भी युवा को एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है, जिसे की भर्ती रैली से 15 दिन पहले जारी किया जाना था। और इधर रैली के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके युवा अपने एडमिट कार्ड को जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस भर्ती के स्थगित किए जाने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कल तक आ जाने की उम्मीद है। तो जो अगर आगे हमें इसको लेकर या किसी भी और राज्य की सेना भर्ती को लेकर कोई भी खबर मिलती है, तो हम आपको सबसे पहले उसकी सूचना अपने इस चैनल पर दे देंगे। इसलिए आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।